एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतना न्यू ब्लॉग, इतनी गोरी दिख रही हूँ। फिल्टर नहीं है पर ऐसे कैमरा है, ठीक है। आज मेरे घर पे सुबह सुबह गैस ख़त्म हो गया था, गैस वाले अंकल को फ़ोन किए, गैस देखे गए और हम लोग के घर पे आज पीठे बनेगा और बहुत कुछ बनेगा। आज संक्रांति है और उसका ही व्लॉग है। आज पूरा दिन क्या क्या करती हूँ उसका ही है। सुबह मैं भाजी लेने गई थी, फिर अभी मेरे को घर का भी काम करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये हम लोग चले गए थे भाजी लेने को, भाजी मंडी। और हम लोग भाजी लेने को कितने बजे गए थे? 12 बजे। इसके लिए कोई भी भाजी वाला, थोड़े थोड़े ही भाजी वाले बैठे थे। और यहाँ पर ना 5 रुपये किलो आलू बेच रहे थे तो मैं वही ले रही थी। और ये भाजी मंडी में ना बहुत सस्ते सस्ते भाजी मिलते हैं, तो और सुबह सुबह आते तो और भी अच्छे अच्छे भाजी मिलते। और ना मुझे पता है मेरी मम्मी ना भाजी मंडी क्यों लेके जाती है, ये सब बैग उठाने के लिए। भाजी मंडी नहीं, डीमार्ट में भी वही इसके लिए ही लेके जाते कि ट्रॉली पकड़ूँ, फिर बाकी सब सामान हाथ से उठा के लेके आऊँ। इसके लिए मेरी मम्मी लेके जाती है मुझे। फिर भाजी मंडी से आने के बाद, फ्रेश होने के बाद, मम्मी चली गई खाना बनाने को। और मम्मी आज बना रही थी अंडा कढ़ी और मैं चली गई घर पहुँचने को। ये हमारे घर का ना टॉर्टोइस है, इसका नाम है गोंगा। और एक था जो ये सैटरडे को ही ना मर गया। ये है नारियल का फीलिंग, बंगाली में पूर बोलते हैं। यही पीठे में जाएगा। और इस साइड भी है जो फूलगोभी का है, इसका भी फीलिंग रेडी है। मतलब रेडी नहीं है, कच्चा ही है, अभी तक बॉयल होना बाकी है। चलो अंदर चलो बैठो। और ये मम्मी अभी पीठे बना रही है, मम्मी नारकुल का बना रही है, नारियल का। और मैं भाजी वाला बनाऊंगी। और ये पीठे इसी दिन मतलब मकर संक्रांति के दिन ही ना बहुत अच्छा लगता है खाने को। और ये पूरे साल में एक ही बार आता है, मैं तो उसके लिए बहुत वेट करती हूँ। और ये है मेरे ट्यूशन का बाबू, मतलब इसका नाम है रेहान। और इसको ये फिर आ गया था, फिर मैंने इसको पढ़ाया। अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।